प्रदेश के हरदोई में नशे की हालत में युवक ने मंदिर के पुजारी के सिर पर ईंट मार दी है, जिससे पुजारी की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि हरदोई के मंदिर मंगला देवी के बाहर फूलमती मंदिर के पुजारी सो रहे थे, तभी शराब के नशे में धुत एक अधेड़ ने सिर पर पीछे की तरफ से पत्थर मार दिया, जिससे पुजारी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और चेयरमैन प्रतिनिधि अनिल गुप्ता पुजारी को इलाज के लिए सांडी CHC ले गए, जहां पर हालत गंभीर होने पर पुजारी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं रास्ते में संडीला के पास पुजारी की मौत हो गई। बताते चले कि पुजारी के भांजे सुरेश ने ब्रजेश व दिनेश के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। इस बाबत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अनिल कुमार यादव ने बताया कि मौके पर जाकर छानबीन की गई है। आरोपी ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया गया है, आरोपी दिनेश की तलाश जारी है। सांडी क्षेत्र में एक सुरेश यादव है, ये नवाब में मोहल्ले रहने वाले हैं। इनके द्वारा थाने में तहरीर दी गई कि आज दोपहर में उनके मामा महेंद्र यादव, जो कि मंदिर में साफ सफाई काम करते थे, वो वहाँ पे चबूतरे पर बैठे हुए थे। दो व्यक्ति जो ब्रजेश और दिनेश, जो दोनों सगे भाई हैं, ये आए और शराब के नशे में थे। इन्होंने उनके सर में ईंट मार दी। पुलिस ने तत्काल इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया है। तत्काल ही जो घायल हैं महेंद्र यादव, इनको जिला अस्पताल भेजा, जहाँ से लखनऊ रेफर हो गए हैं। वहाँ ट्रामा सेंटर में इनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने तत्परता बरतते हुए दोनों नामजद व्यक्तियों ब्रजेश व दिनेश, जो दोनों सगे भाई, इनको हिरासत में ले लिया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।